गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हमारा पेडागॉजी फोटोग्राफी, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे उत्तम पाठ योजना के आवश्यक तत्व और प्रारूप। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम जब हम पाठ योजना का जब हम निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो उसके लिए क्या आवश्यक चीजें हैं, हमें किसका ध्यान रखना चाहिए जिसके द्वारा हम अच्छी पाठ योजना का निर्माण कर सके, जिसके अंतर्गत हम कुछ पॉइंटों के द्वारा अध्ययन करेंगे। आवश्यक इसके अंतर्गत पहला है पाठ योजना को लिखित रूप में तैयार करना चाहिए। अब हम आवश्यक तत्वों में पहला हम देखते हैं, तो उसमें बताया गया है कि पाठ योजना को लिखित रूप में तैयार करना, क्योंकि आपने देखा है कि हम जो पाठ योजना या हम लेसन प्लान बनाते हैं तो उसको पहले हम लिखते हैं, जब हम उसको लिखेंगे तभी तो हम उससे दैनिक पाठ योजना को बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दैनिक पाठ योजना को बनाने का कार्य हम करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण बिंदुओं का इस पर उल्लेख होना। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो शिक्षण बिंदुओं का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि जब हम शिक्षण उद्देश्य जब हम लिखते हैं वह स्पष्ट होगा तभी हम छात्रों को पढ़ा सकते हैं, अन्यथा नहीं पढ़ा सकते। कि हम शिक्षण सूत्र, हम शिक्षण उद्देश्य लिखते हैं कि शिक्षण बिंदु लिखते हैं कि हमें पाठ के अंदर कौन कौन से जो मोस्ट क्वेश्चन जो टॉपिक पॉइंट्स है जो हमने निकाले हैं उसको स्पष्ट रूप से पाठ योजना में पहले लिखाया जाता। फिर नेक्स्ट है विषय वस्तु पूर्ण ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो पाठ योजना में पढ़ाई जाने वाली जो विषय वस्तु है वह पूर्ण ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। हम कोई भी शिक्षण कार्य करवाने हैं तो छात्रों को सर्वप्रथम हमें ऐसा ज्ञान देना है जो उनके पूर्व में उनको जो ज्ञान पता हो। अगर अगर मान लीजिए कि हम किसी भी चीज का ज्ञान देते हैं, तो मान लीजिए कि हमें कोई डायग्राम बनाना है, ठीक है, तो हमने उस डायग्राम को पहले से बना लिया। जब उसको डायग्राम के बारे में बेसिक नॉलेज ही नहीं है, जब उसे पता ही नहीं है कि त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, वृत्त गोल होता है, तो इसके आधार पर जब हम आकृति बनाते हैं, कुछ डायग्राम बनाते हैं बड़ा सा, तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको तो इसका बेसिक ज्ञान ही नहीं है, तो वह उसको कैसे पता चलेगा छात्रों को। तो हमें इस प्रकार से पहले विषय वस्तु का उपयोग करना है जो पूर्ण ज्ञान पर आधारित हो, उसके बाद हमें जो चीज बालकों को अज्ञात है उसकी ओर हमें बालकों को ले जाना। फिर है शिक्षण उद्देश्य को शिक्षण बिंदुओं पर आधारित
व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखा जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है शिक्षण उद्देश्य को शिक्षण बिंदु पर आधारित व्यवहार परिवर्तन में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जब हम शिक्षण उद्देश्य लिखते हैं इसके अंदर व्यवहारगत परिवर्तन को भी लिखा जाता है कि बच्चे किस प्रकार अपने प्रैक्टिकल रूप में उसको समझ सकेंगे, किसका महत्व लिख सकेंगे, किसकी व्याख्या कर सकें, किसके अंदर कौशल सीख सकें, किसमें सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे। इस प्रकार का व्यवहारगत परिवर्तन हमें उद्देश्य के अंतर्गत बच्चों को लिखाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है प्रश्नों में क्रमबद्धता लिखना। अब हम पाठ योजना के अंतर्गत जो हम क्वेश्चंस बनाते हैं उस प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम बालकों को क्रम वाइज क्वेश्चंस पूछते हैं तो बालक देख पाते हैं। अगर हम उसी चीज को आगे पीछे रखकर क्वेश्चन को पूछ लेंगे, टफ पहले पूछने इजी बाद में पूछने, तो क्या होता है कि बच्चे उस चीज का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये थे इसके आवश्यक तत्व। अब हम इसका जो प्रारूप है वो कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है उत्तम पाठ योजना के आवश्यक तत्वों का वर्णन उत्तम पाठ योजना के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना ऐसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को